नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं वाईफाई एजुकेशन। आप दोस्तों, आज के लिए जो लेटेस्ट गवर्नमेंट निकला है उनकी हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, जो गवर्नमेंट निकला है वो सीधी भर्ती निकली है, जो निकली है NPCIL के अंदर निकली है भर्ती। अगर दोस्तों बात करते हैं इसका जो ऑनलाइन फॉर्म होगा, ऑनलाइन फॉर्म होगा उसके बाद में इसमें जो शैक्षणिक योग्यता रहेगी वो 12 पास रहेगी, और दोस्तों आपकी एज है वो 18 से लेकर 30 के बीच में रहेगी। अब पूरी डिटेल के साथ में हम जानेंगे कि क्या इसमें क्या योग्यता है, कितने पेमेंट यानी कितनी राशि मिलेगी, फॉर्म ऑनलाइन कब से है, तो ये बात करते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले, चैनल पर पहली बार है तो इस लाल बटन पर क्लिक कर लीजिए जिस प्रकार से आपका ब्लैक हो जाएगा, और इस बेल आइकॉन पर भी क्लिक कर लीजिए। जैसे ही हम वीडियो अपडेट करेंगे उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, और इस वीडियो को लाइक करना ना भूले दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, हम जो मेन वेबसाइट है उनके आप पर ऊपर देख लें, लिखा हुआ है कि न्यूक्लिक पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड भारत सरकार का उपक्रम निकला है। तो यहाँ पर ये आपको डॉट, यहाँ पे आप क्या करेंगे कि इसमें जो रिक्वायरमेंट है कि क्या एडवर्टाइजमेंट है उनकी मैं चर्चा करूँगा। यहाँ पूरी की पूरी आप देख सकते हैं ये लाइनें चल रही है, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि क्या जॉब है क्या नहीं है, लेटेस्ट जॉब गेट जॉब। तो मैं आपको सीधी जो ये हमारी वेबसाइट है उनके जरिए मैं सीधा आपको जो PDF है उनके पास में लेता हूँ, और कब लास्ट डेट है उनकी भी हम चर्चा करेंगे, लास्ट डेट क्या क्या है, क्या क्या सिलेबस रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपको पता है कि इसका जो है कि ऑनलाइन एग्जाम है वो ऑनलाइन की डेट है, आप देख सकते हैं यहाँ से ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करना है, तो विज्ञापन आपके सामने दे रखा है, वेबसाइट आपके दे रखा। दोस्तों ये जो 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 इसका जो एरिया है वो गुजरात के अंदर है, लेकिन पूरे इंडिया ऑल इंडिया जॉब है। यहाँ से आप ये मत समझिए कि ओनली फॉर गुजरात स्टेट का है, क्योंकि ये न्यूक्लिक अमले केंद्र सरकार का है, तो यहाँ से आप सभी फॉर्म भर सकते हैं। तो हम देखते हैं इसमें जो टेक्निकल की भी पोस्ट है, तो यहाँ आप देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ देखिए मैकेनिक, इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रिशियन, उसके बाद में केमिकल की अलग अलग पोस्ट हैं आपके सामने, आप देख सकते हैं। वहीं से केमिस्ट्री की भी हैं, सिविल की हैं, तो ये पोस्ट है। तो मैं आप फिटर की, इलेक्ट्रिशियन की, सभी की यहाँ पोस्ट है। तो हम बात करते हैं पद और उसकी जो लास्ट डेट क्या है, ये मैं पूरी की पूरी आपको नीचे लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप पूरी कर लीजिए। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर आप देख लीजिए भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई भी इलेक्ट्रिक जो डिप्लोमा है वो आपको किया होना चाहिए, और 60% आपका होना चाहिए। और यहाँ पर दोस्तों देखिए, यहाँ पर 10वीं पास के बारे में पूछा है कि 10वीं पास जो IT पास डिप्लोमा 2 वर्ष के बाद में इसके अंदर जो कर सकते हैं प्रवेश ले सकते हैं, 10वीं प्लस बारहवीं के लिए भी दोनों हैं। और यहाँ पद की हैं आप देख सकते हैं, इसके अंदर देख सकते हैं साइंस के भी कुछ उम्मीदवारों के लिए, या जो आयु छूट है आप सभी के लिए आयु छूट दे रखी है अलग अलग सभी की। और मैं बता देता हूँ दोस्तों और भी हैं कि क्या है क्या नहीं, ये फिजिकल का क्राइटेरिया है, फिजिकल का क्राइटेरिया यहाँ पर, तो आप जरूर देखिए फिजिकल का क्राइटेरिया है। और यहाँ पर जो है आपको वेतन है वो आप देख सकते हैं, 35,000 वेतन आपको मिलेगा। कितना मिलेगा? 35,000 आपको यहाँ पे वेतन मिलेगा, और उसके बाद में बाकी सभी का लेवल आप सभी को पता है कि क्या रहने वाला है। यहाँ पर जो सिलेबस की हम बात करते हैं दोस्तों, इसमें जो होगा लिखित परीक्षा के आधार पर सिलेबस किया जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं आप लिखित परीक्षा के ऑनलाइन जो अप्रैल माह में आयोजित की जाएगी परीक्षा के लिए, तो यहाँ पर आपको 120 प्रश्न दिए जाएंगे। यहाँ पर जो नेगेटिव मार्किंग है उनकी भी हम चर्चा करेंगे कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, तो दोस्तों इसमें जो 45% लाने होंगे। तो इस प्रकार से यहाँ आप फॉर्म अप्लाई कीजिए जल्दी से। और दोस्तों यहाँ पर जो सिलेबस रहेगा वो मैथ्स, रीजनिंग और सामान्य ज्ञान रहेंगे इससे ज़्यादा, और बाकी आपके ट्रेड के पर्सन रहेंगे। तो ये जो न्यूज आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर जरूर करें, और उसकी जो जानकारी के लिए आपको नीचे सभी लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं। तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नई नई गवर्नमेंट जॉब की आपको न्यूज मिलती रहे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।